हेलो गाइस, मैं हूं, आप देख रहे हैं मोटर फ्यूल और आज अपन देखने वाले भाई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 2022 वर्जन। और काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप जो है क्रिएट हो चुका है और मैंने जो है देखा भी भाई पब्लिक पूरी उमड़ गई गाड़ी देखने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करने वाला हूँ जो कि इसकी ब्रांड नेम और इसके माइलेज के पीछे छुप जाती है, यानी कुछ मेजर कमियाँ हैं गाड़ी में जो कि जो है आपको बताई नहीं जा रही है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई लुक्स से। और लुक्स में अगर आप जो फ्रंट में देखें तो फ्रंट में आपको जो है बहुत सारा क्रोम देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, जो ग्रिल के आउटलाइन है ना वो पूरी आपको जो है बड़ी बड़ी जो है क्रोम की क्लैडिंग से भरी हुई है और बीच में आपको जो ग्रिल मिल जाती है जिसमें आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। और उसके बाद जो लाइट्स के आउटलाइन है वो भी काफ़ी सही लगती है पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में। उसके बाद बम्पर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है, उसमें भी पियानो ब्लैक फिनिश और जो है क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जो है ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इससे बेटर आपको जो है इसी के भाई यानी टोयोटा हाई राइडर का जो है फ्रंट देखने को मिलता है। बाकी अगर बोनेट वगैरह की बात करें तो बोनेट की लाइंस जो है काफी सिमिलर आपको जो हाई राइडर की देखने को मिलती है। बात करें फ्रंट की तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक मेरे हिसाब से क्रोम देखने को मिल जाता है। उसके बाद लाइट्स जो है इसके काफी सही लगते हैं क्योंकि इसमें जो है इंडिकेटर भी जो है इंटीग्रेटेड है। उसके बाद नीचे आपको जो प्रोजेक्टर मिलता है वो भी काफी ब्राइट है। पर्सनली मेरे से पूछे तो जो हाई राइडर है वो जो है बेटर फ्रंट से देखने में लगती है क्योंकि इसमें आपको जो है टोयोटा का सिग्नेचर वाला जो डिजाइन है ना वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें भाई साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी सही लगती है और काफ़ी बढ़िया लगती है क्योंकि साइजेस काफ़ी सही है तो गाड़ी जो है बड़ी देखने में लगती है। और इन्हें जो है रूफ थोड़ी सी डाउन रखी है तो और जो है थोड़ी सी शार्प एंड एजी लुक जो है गाड़ी का आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी लगी जिसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसमें जो इन्हें बहुत ज़्यादा सिल्वर नहीं किया क्योंकि सीएनसी के अलॉय व्हील्स तो देखो आजकल मैक्सिमम गाड़ियों में मिलते हैं। इस सेगमेंट की जितनी गाड़ी आती है इससे डाउन सेगमेंट की गाड़ी आती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है सिल्वर को नहीं है, थोड़ा सा मैट साइड रखा गया है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगते। उसके बाद अगर आप डोर लाइंस की बात करें तो काफ़ी शार्प है, सीधे जो है फ्रंट हेडलैम्प से स्टार्ट होती है सीधे टेल पे एंड करती है। और उसके बाद जो है ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, ये आपको जो है इसमें दो पिलर ब्लैक्ड आउट देखने को मिलते हैं। जो लास्ट पिलर है इसमें आपको जो है तीन कलर इंटीग्रेटेड है, थोड़ा सा सिल्वर, थोड़ा सा ब्लैक रूफ के साथ और थोड़ा सा जो है बॉडी कलर के साथ। अब आते भाई लाइन में मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, वो है भाई रियर। तो रियर में आपको जो है बिल्कुल तगड़े टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सही लगते हैं। स्मोक्ड टेल लैंप्स हैं, मतलब आपको जो है थोड़ा सा ब्लैक्ड आउट फिनिश इसमें देखने को मिलती है। और जो ग्रैंड विटारा का लोगो है, जो उसके फॉन्ट है, वो भी काफ़ी तगड़े लगते हैं। और यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा क्रोम नहीं दिया गया है, सिर्फ वाइपर के नीचे हल्का फुल्का आपको जो है क्रोम इंसर्ट दिया गया है, अदरवाइज मैक्सिमम जगह आपको जो है ब्लैक्ड आउट या आपको जो स्मोक्ड फील दी गई है। और पीछे जो स्किड प्लेट है ये भी काफ़ी सही लगती है और जो पीछे रिफ्लेक्टर है वो तो बहुत ही तगड़े लगते हैं। तो यहाँ पर रियर प्रोफाइल इसकी बहुत ही सही है, स्पॉइलर भी मिल जाता है, उसमें भी लाइट मिल जाता है। तो अगर आप जो है पीछे से देखते हैं तो भाई गाड़ी एक प्रीमियम वाला फील देती है और स्पेशली रियर सेगमेंट में भाई टोयोटा हाइराइडर्स के आसपास भी नहीं है, बहुत ही प्रॉमिसिंग आपको जो है रियर फील ये देने वाली है। अब एक्सटीरियर में फीचर्स की बात करें तो देखो भाई पार्किंग सेंसर मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, ऑटो फोल्ड मिरर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है जो कि आपको ब्लैक देखने को मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश में। और उसके साथ 360 डिग्री कैमराज मिल जाएंगे और बहुत सारे फीचर्स आपको जो एक्स्ट्रा इसमें वॉशर वाइपर वगैरह सब कुछ जो है देखने को मिल जाता है। तो फीचर में कोई कमी नहीं है, सभी को जो स्टार्टिंग से पता है कि इसमें आपको जो है बहुत सारे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, जो अभी अपन वेरिएंट देख रहे हैं ये अल्फा वेरिएंट है जो कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। और इसमें आपको जो इंटीरियर देखने को मिलेगा ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स में आएंगे ऊपर के वेरिएंट्स, वहां पे भी आपको जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जो है देखने को मिलेगा। बस यहां पे जो आपको ट्रांसमिशन दिख रहा है ये जो है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक है और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होगी वहां पे आपको जो है ECVT देखने को मिलेगा, अदरवाइज पूरी गाड़ी जो है आपको आइडेंटिकली देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बीच के कंसोल से जो कि ये मारुति ने अभी लेटेस्ट निकाला है, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें जो बटन्स मिलती है बहुत ही टैक्टाइल है और वो जो एयरप्लेन वाले स्विचेस होते हैं उस प्रकार का जो इसमें ट्रीटमेंट दिया गया है तो ये काफ़ी टैक्टाइल है। इसमें जो बहुत कम चांसेस है कि अगर आप जो है फैन स्पीड बढ़ा रहे हैं या कूलिंग के लिए कम कर रहे हैं तो मिस हो। उसके बाद बात करें ओवरऑल
फील की, तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है, बीच में आपको जो है थोड़ा सा शार्प एजेस, भाई टोयोटा से थोड़ी बहुत तो चीज़ें लेंगे, तो यहाँ पे जो है काफ़ी शार्प जो है बीच का कंसोल देखने को मिल जाता है, ट्रांसमिशन मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, पीछे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिलता है, उसमें भी स्पेस मिल जाता है। अगर स्टेयरिंग साइड की बात करूँ तो भाई स्टेयरिंग भी काफ़ी सही लगता है, यहाँ पर आपको जो है फ्लैट बॉटम नहीं मिलेगा, आपको जो है सिर्फ राउंड स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं ये भी काफ़ी टैक्टाइल और जो पैडल्स भी सही लगते हैं, और जो मीटर इसमें आपको जो सेमी डिजिटल देखने को मिल जाता है। डोर्स की बात करें तो भाई डोर्स में भी आपको जो है थोड़ा सा ब्राउन लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है, थोड़ा सा सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है, वन टच डाउन वन टच अप आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रीन की बात करें तो भाई 9 इंचेस की आपको जो स्क्रीन देखने को मिलेगी, ये भी जो है ब्रेजा बलेनो में ऑलरेडी पहले आ चुकी है, तो इसमें आपको जो साउंड सिस्टम तगड़ा मिलने वाला है, टाटा जैसा नहीं होगा लेकिन अच्छा साउंड सिस्टम देखने को मिल जाएगा, टच इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव और साइज़ काफ़ी बड़ा है। सीट्स की बात करूँ तो भाई सीट्स काफ़ी सही लगी यार, सीट्स में स्पेशली जो इसके हेडरेस्ट हैं उनकी हाइट बहुत सही है, लॉन्ग टूरिंग में आपको जो है इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, ये एक चीज़ इसमें ज़रूर है। अब आते हैं भाई इसके ख़राब साइड की तरफ, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, वो है भाई रियर। अब रियर में अगर आप देखेंगे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है भाई, आपको 3 जो है हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, कप होल्डर देखने को मिलते हैं, रियर इसीवेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कमी कहाँ है भाई, यहाँ पे पीछे जब हम लोग बैठे 2 लोग ही कंफर्टेबली बैठ पाते थे। अगर आपकी जो हाइट ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप जो 5'8" के भी ऊपर है ना, वहाँ पे हमने बहुत सारे बंदों को जो ट्राई किया, अलग अलग लोग आ रहे थे गाड़ी देखने, मैक्सिमम लोगों की जो एक ही कंप्लेंट थी कि भाई थोड़ा सा स्पेस हेडरूम में दे देते। तो रियर में अगर आप बैठते हैं, अगर आपकी जो हाइट कम है, आपके घर में लोगों की हाइट कम है, तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी हाइट जो है 5'8" से ऊपर है किसी की, तो भाई कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। और इसमें जो है मारुति ने स्मार्टली एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो हेडरेस्ट है उसको थोड़ा सा सामने साइड रखा है, जिससे आपको जो है आप ज़्यादा पीछे ना जा पाए, क्योंकि आपको जो हेड जो है टच हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनने जो है पैनारोमिक सनरूफ तो दिया है, लेकिन उसको बचाने के लिए थोड़ा सा हेडरूम जो है रियर साइड में चला गया है। और विड्थ की बात करें तो विड्थ में भी आपको इतनी वाइड नहीं मिलती है, 2 लोग जो है कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन जैसा 3 लोग को बैठाने की बात करी जा रही है, तो वो भाई यहाँ पे कंफर्टेबल जो है लॉन्ग जर्नीस में नहीं हो पाएगा। बूट स्पेस की बात करें तो भाई देखो बूट स्पेस में आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है, बड़ी सी आपको जो है ट्रे देखने को मिल जाती है, और थोड़ा सा जो है साइड में भी आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, और उसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको जो स्टेपनी देखने को मिल जाएगी, ऑब्वियसली स्टील रिम्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसके बाद जब आप फ्रंट बोनट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इसका इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि नीचे से इस बार पैक्ड है, यहाँ पे आपको कवर देखने को मिलता है, और बोनट में भी आपको जो है इंसुलेशन जो है देखने को मिलता है, तो भाई नॉइस को जितना कम कर सके ये करेंगे। और उसके बाद अगर अपन इंजन की बात करें तो ये भाई पुराना इंजन है, जो आप ऑलरेडी ब्रेजा अर्टिगा सियाज में देख चुके हैं, 1.5 लीटर का K15C ड्यूल जेट मोटर इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि 103 bhp और 137 Nm का टॉर्क जो है निकालता है। लेकिन जो इसकी मेन हाईलाइट है वो है भाई इसका माइलेज, 20 से 21 kmpl जो इसका क्लेम्ड माइलेज है। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो यहाँ बहुत ही स्पेशल थिंग है कि यहाँ पे आपको जो है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मिल जाता है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है ये सिर्फ 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। तो जो भी भाई थोड़े से इंथूजियास लोग हैं, जो शार्प हैंडलिंग करना चाहते हैं, जो ऑल ग्रिप का मजा लेना चाहते हैं, तो भाई ये वेरियंट को जो है चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जो है मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल व्हील ड्राइव के साथ मिल जाता है तो भाई मज़ा आ जाएगा। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है स्पेशली इस प्राइस की गाड़ी में, तो अगर आपका जो है थोड़ा सा इंथुजियाज़म वाला मन है भाई कि भगाना वगैरह आपको स्टेयरिंग फीडबैक अच्छे से लेना है, क्योंकि पावर तो उतना नहीं है, लेकिन ये ऑल ग्रिप में आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीडबैक मिल जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल जो है ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज डायमेंशन की बात करूँ तो भाई डायमेंशन आपको जो है मैं मेंशन कर दूंगा, लेंथ मैं आपको बता देता हूँ कि 434 mm की देखने को मिल जाती है, इसलिए जो है गाड़ी इतनी लंबी लग रही क्योंकि लंबी है। और उसके बाद बात करें साइजेस की व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको जो है 17 inches के जो है अलॉय व्हील्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, बाकी ओवरऑल जो है बढ़िया गाड़ी देखने को मिल जाती है। जो डोर्स पे थंब है वो अगर आप जो है महिंद्रा टाटा वोक्सवैगन स्कोडा वाला जो है फील करना चाहते हैं तो सॉरी, वो थंप इसमें जो है मिसिंग है। सेफ तो है, मैं ये नहीं कह रहा सेफ नहीं है गाड़ी, सेफ है, लेकिन वो जो थंप आता है डोर पे, अगर आपको जो है उस टाइप की चीज़ें पसंद है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंट हो सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल गाड़ी की बात करूँ तो बहुत ही तगड़ी आपको जो है गाड़ी देखने को मिल जाती है। और अगर आपको जो है वीडियो अभी तक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।